हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है क्रेप का, वो मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो, उसे 1.5x4 करके उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है सिंगल अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। और यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रो करना है, तो इस तरह से ये हमने आर्म होल को ड्रो कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और यहाँ पे लेंथ में लूंगी 2 इंचेस, और राउंड में शेप ड्रो करेंगे हम। तो ये होगा हमारा बैक का पार्ट, इस पार्ट को हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास। एक एक पार्ट को हम बेस के फैब्रिक की तरह यूज़ करेंगे। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने जो बैक का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए रखना है, और फोल्डेड एरिया से हमें एक्स्ट्रा 4 इंचेस रखना है। उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ मार्क करना है। तो बैक पार्ट की मदद से हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है, तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, और यह है हमारी लेंथ। अब इस पार्ट को हम मैं हटा दूंगी, और ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हमें शेप देते हुए नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है, इस तरह से यहाँ तक। तो देखिए, इस तरह से इस पार्ट को हमें कट करना है। ये होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। तो देखिए, इस तरह के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं, जिसे हमें यहाँ पे इस तरह से ओवरलेप करना होगा। तो ये होगा हमारा फ्रंट का पार्ट, जिसे मैंने 2 हिस्सों में कट किया हुआ है। अब देखिए, इसे सीधा हमें रखते हुए बेस फैब्रिक को कट कर लेना है। तो सेम इसी शेप और साइज में हमें इसे बेस फैब्रिक को कट करना है। तो इस तरह से हमने बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। आप चाहें तो अलग से फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यही फैब्रिक को यूज़ किया हुआ है बेस फैब्रिक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर बेस का फैब्रिक हमने उल्टा रखा हुआ है, और सबसे पहले ये जो हमारा नेक लाइन है उसमें हम सिलाई करेंगे, और हमारे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस पार्ट को भी मैंने अरेंज किया हुआ है राइट पार्ट के ऊपर, बेस का फैब्रिक हमने उल्टा रखा हुआ है। उसके बाद हम ये जो हमारा नेक पार्ट और आर्म होल में सिलाई करेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट हमने कट किया था, उसे भी मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। ये है हमारा राइट पार्ट, जिसके ऊपर हम बेस का फैब्रिक इस तरह से उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद ये हमारा नेक लाइन और दोनों आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है, उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है, यानी कि हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे टर्न कर लेना है। इस तरह से हमें ये जो हमारे फ्रंट के 2 पार्ट है, उसे भी हम टर्न करेंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से सभी पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसमें यहाँ पे हमें ओवरलेप करना है। तो इस तरह से हम ओवरलेप करके, इस तरह से हमने ओवरलेप कर लिया है, और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर ये जो हमारा बैक का पार्ट है, उसे उल्टा रख के हम दोनों शोल्डर्स में सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें 2 बेल्ट लगाने हैं टाई करने के लिए। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप हमने कट की हुई है, जिसे हमें
रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। इसी तरह से दोनों बेल्ट को हमें तैयार करना है। तो ये हमने दोनों बेल्ट इस तरह से तैयार कर लिए हैं, मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। और इस तरफ भी हमें बेल्ट को रख के यहाँ पे सिलाई करके हमें इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे ऊपर से नीचे तक सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट, मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है 1.5 मीटर। इस पार्ट में हमें गैजिंग करनी है। तो ये जो हमारा ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में, और ये जो हमारे नीचे की बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बॉर्डर फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे लूज स्टिच लगा दी है। यहाँ से हमें एक धागे को सेपरेट कर लेना है। एक धागे को सेपरेट करने के बाद हम हल्के हाथों से इसे खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो, और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से पूरी लेंथ में हम गैदरिंग तैयार करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे गैदरिंग बना ली है। अब हमें इसकी साइड बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे भी हम बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हमें बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से ओवरलेप करेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें ओवरलेप करना है, और ये हमारी जो हमारी वेस्ट की चौड़ाई थी उतनी ही रखनी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। तो फिटिंग करने के बाद हमें जितनी चौड़ाई रखी है मैंने उतनी ही रखनी है, और बाकी का हिस्सा हम यहाँ पर ओवरलेप करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। मैंने इसकी चौड़ाई उतनी रखी जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब ये जो हमारा ओवरलेप है यहाँ से हमें इस पार्ट को मिलाना है। तो यहाँ पे हम दोनों ओवरलेप को मिलाएंगे और टॉप का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, और यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है जहाँ से हमने ओवरलेप किया हुआ है, और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को मिलाते जाएंगे और हमें सिलाई करते जाना है। तो ये जो पूरा हमारा सर्कल है उसमें हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को मिलाते जाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो पहले पिन कर सकते हैं इसे सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से बेल्ट को टाई करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टाई कर लेना है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट अंगरखा बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। गाइस अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।